So hi Devansi Mama, how are you? Hi, I'm great. How are So you? I'm also fine. So can you give brief introduction about yourself? Okay, I'm Devanshi. I'm in final year of UIT Punjab University. I'm interned at Amazon. My internship will be starting from January till 6 months. Nice. So is it on campus or off campus? It's an off-campus offer through Amazon WOW Hiring Drive. So how many rounds were there? Give details of In total, all round, step by step. Okay. okay, total 4 rounds थे. फर्स्ट 2 राउंड्स ऑनलाइन असेसमेंट्स के थे एंड सेकेंड 2 राउंड्स इंटरव्यू राउंड्स थे. सो सारे राउंड्स एलिमिनेशन बेस्ड राउंड्स थे. सो फर्स्ट राउंड ऑनलाइन यस फर्स्ट राउंड ऑनलाइन असेसमेंट का मर्सल मेटल प्लेटफॉर्म पे था एंड उसमें 1 कोडिंग क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज थे बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स. सेकेंड राउंड में कोडिंग क्वेश्चंस एमसीक्यूज ऑन एप्टीट्यूड एंड कोड डिबगिंग सेक्शन था एंड एक बिहेवियरल सेक्शन भी था फॉर एमसीक्यूज. सो एंड आफ्टर दीज राउंड्स आई वाज कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज. सो देयर वर 2 इंटरव्यूज. दोनों ही टेक्निकल इंटरव्यूज थी एंड लाइक इन बोथ ऑफ द इंटरव्यूज आई वॉज आस्क्ड 2 कोडिंग क्वेश्चंस. दे वर ऑफ मीडियम लेवल. तो किस टॉपिक से मेनली ज्यादा क्वेश्चन थे कोडिंग राउंड में? कोडिंग राउंड में डायनेमिक प्रोग्रामिंग हीप्स एरे स्ट्रिंग्स एंड स्टैक इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस थे एंड मैंने लीट कोड काफ़ी प्रैक्टिस कर रखा था. सो आई थिंक लीट कोड टाइप क्वेश्चंस थे. और फिर इंटरव्यू में स्पेसिफिक टॉपिक अगर देखा जाए तो यस, ये इंटरव्यू के लिए था. कोडिंग अच्छा राउंड में क्वेश्चंस बेस्ड थे हीप्स एरे स्ट्रिंग्स इन सब पे बेस्ड थे. मीडियम लेवल डिफिकल्टी या हार्ड? इंटरव्यूज में मीडियम लेवल डिफिकल्टी एंड कोडिंग राउंड में इजी टू मीडियम लेवल एंड नाइस। एमसीक्यूज कंपैरेटिवली ट्रिकी थे सीएस फंडामेंटल्स पे बेस्ड. सो व्हाट आर द रिसोर्सेस यू यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन फॉर प्लेसमेंट? इट इज फ्री और पेड? इज इट फ्री और पेड? मोस्टली मोस्टली फ्री रिसोर्सेज ओनली. आई प्रैक्टिस लीट कोड जीएफजी एंड इंटरव्यू बिट. सो मेनली आई प्रैक्टिस लीट कोड ओनली ऑन डेली बेसिस एंड आई रीड सम सिलेक्टिव क्वेश्चंस ऑन जीएफजी एंड इंटरव्यू बिट ऑल्सो. आई ऑल्सो रेफर टू स्ट्राइवर्स एसटीई शीट टू कवर थ्रू ऑल द टॉपिक्स. सो दिस हेल्प मी अलॉट एंड फॉर सम कोर्सेज रिलेटेड टू डेवलपमेंट आई रेफर टू उडेमी. दे वर पेड बट दे वर नॉट दैट मच हाई रेटेड और समथिंग लाइक दैट. सो लाइक दे वर फाइन टू बाय फॉर स्टूडेंट्स आई मस्ट से. So, तुमने कोडिंग जो जर्नी था अपना इंजीनियरिंग में जाते जाते फर्स्ट ईयर से शुरू किया था या सेकेंड ईयर या कब से शुरू किया था उसके बारे में डिटेल एक? ओके, सो फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर किया एंड लैंग्वेजेस लर्न की मेनली सी सी प्लस प्लस अच्छे से जैसे कॉलेज कोर्स के साथ सीखी लैंग्वेजेस एंड थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी किया. एंड सेकेंड ईयर से मेनली स्टार्ट किया था. सेकेंड ईयर के फर्स्ट हाफ में डीएसए अच्छे से किया कंसेप्चुअली एंड सेकेंड हाफ से थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट भी स्टार्ट किया एंड हैकर रैंक पे प्रैक्टिस भी स्टार्ट की एंड कोड शेफ पर भी. एंड फिर थर्ड ईयर से मेरे को रियलाइज हुआ कि अब लाइक अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है डेली बेसिस पे. ऐसे कोडिंग राउंड्स नहीं होंगे किसी कंपनी के. तो लीट कोड की काफ़ी प्रैक्टिस की एंड साथ साथ इंटरव्यू बिट एंड जीएफजी भी एंड डेवलपमेंट में भी प्रोजेक्ट्स डिसेंट बनाए ताकि रिज्यूमे में अच्छे प्रोजेक्ट्स लिखे जाएं. So, जो तुम्हारा जीएफजी और लीट कोड का क्वेश्चन था वो इंटरव्यू स्पेसिफिक करती थी या हर टॉपिक का किसी किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन लाइक 30 50? सो कितने क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने चाहिए? मैं लीड कोड तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करती थी. लाइक लीड कोड में एक डेली कॉन्टेस्ट होता है जिसमें एक क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन पर डे आता है. हाँ सो मैंने वो एक गोल सेट किया हुआ था कि ये क्वेश्चन एक दिन में करना ही है एंड उसके बाद जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग या ग्राफ जिन टॉपिक से काइंड ऑफ डर लगता है उसके क्वेश्चंस करते रहो. कि सबसे ज़्यादा लाइक इनिशियली मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की करती थी क्योंकि वो ऑनलाइन राउंड्स में बहुत आते थे एंड इनिशियली मुझसे नहीं सॉल्व हो पाते थे. तो वो मैंने काफ़ी किए प्रैक्टिस टॉपिक वाइज.
और ये एक हमेशा डेली का गोल सेट कर लिया था कि 1 question per day वो वाला करना ही है। दैट्स नाइस। सो ऑन कैंपस में तुम्हारी इंटर्नशिप लगी थी या नहीं? ऑन कैंपस में इंटर्नशिप नहीं लगी थी, प्लेसमेंट हुई थी जी स्केलर में। सो इज रिज्यूमे, सीजीपीए और 10th 12th ग्रेड मैटर और नॉट फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट? आई डोंट रिज्यूमे डज मैटर फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और समटाइम्स इन ऑन कैंपस केसेस टू। एंड सीजीपीए की बात करें तो वो कंपनी स्पेसिफिक है, जैसे अमेजन ने मुझे नहीं लगा कि सीजीपीए मैटर करती है अगर अबव कट ऑफ हो तो। उन्होंने कट ऑफ भी आई थिंक कम ही सेट की थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट एक्चुअली ये कंपनी स्पेसिफिक हो जाता है। सो इन जनरल हमें डिसेंट सीजीपीए रिज्यूमे मेंटेन करनी चाहिए। एंड 10th 12th ग्रेड्स आई थिंक काफ़ी कम कंपनीज इन पर ध्यान देती हैं, बट ऑन कैंपस में कई कंपनीज हो सकती हैं। सो अब तो 10th 12th का तो कुछ कर नहीं सकते, सो सीजीपीए मेंटेन करके रख सकते हैं डिसेंट। जैसे ऑफ कैंपस तुमने भी क्रैक कर रखी है, ऑन भी क्रैक कर रखी है, तो ऑफ कैंपस में रिज्यूमे तो बहुत ज्यादा मैटर करता होगा, तो हम लोग को रिज्यूमे किस टाइप का बनाना चाहिए? ये बहुत सारी डाउट्स आती हैं। यस सर, रिज्यूमे एक्चुअली मिक्स ऑफ एवरीथिंग होना चाहिए, कोडिंग भी एंड प्रोजेक्ट्स भी एंड मतलब अचीवमेंट्स भी, अचीवमेंट्स कोडिंग या हैकेथन किसी में भी हो सकती है। एंड ATS फ्रेंडली होना चाहिए और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। सो इसके लिए काफ़ी वीडियोस हैं, मैंने भी रेफर की थी, मैंने स्ट्राइवर की रेफर की थी एंड और भी कहीं रैंडमली देखी थी, तो उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर्ड रिज्यूमे बनाया। मेनली एक इट पेज शुड का बी होना एक्चुअली चाहिए। मिक्स, यस मिक्स, 1 पेज रिज्यूमे एंड इट शुड बी मिक्स ऑफ एवरीथिंग। सो बहुत सारे लोग जैसे कि सीपी से डरते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में आते हैं और वो बैटल चला देते हैं कि सीपी करे या डीएसए करे, तो क्या लगता है कि क्या हम लोग डीएसए से अच्छी कंपनी क्रैक कर सकते हैं, लाइक अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, या हमें सीपी करना जरूरी है? इंटरव्यूज के लिए तो आई थिंक DSA ही सफिशिएंट है। लाइक मेरे को अमेजन में अपॉर्चुनिटी मिली, सो मैंने इंटरव्यूज दी, सो मेरे को लगा कि ओके DSA वॉज इनफ, क्योंकि मैंने ज़्यादा DSA पे ही फोकस किया था। बट ऐसी काफ़ी कंपनीज हैं जिनके मैंने कोडिंग राउंड्स दिए थे और वो नहीं हुए क्योंकि मैंने CP बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं की थी, सिर्फ उतनी की थी जितनी बस प्रैक्टिस हो जाए। सो आई थिंक CP DSA एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ हमें साइड बाय साइड मेंटेन करके चलना चाहिए। सो मेन प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू DSA क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड वही चीज़ है। ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हर जगह पे पूछा जाएगा, बट बाकी चीज़ें भी साइड बाय साइड हमें मेंटेन करके चलनी चाहिए क्योंकि ऐसी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं जो स्पेसिफिक हो जाती हैं। हमें सीपी करनी चाहिए ना, सीपी अगर करने से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी हमारी बढ़ेगी, एक फायदा मिल जाता है। यस अगर हम अपने इनिशियल ईयर्स में हैं तो ट्राई करनी चाहिए। सो लॉट्स ऑफ पीपल आरंट अवेयर अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड सीएस फंडामेंटल्स, इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट अकॉर्डिंग टू यू? इफ यस, व्हाई? एंड इफ नॉट, व्हाई? CS फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इंटरव्यूज में वो कई बार पूछे जाते हैं, बट अमेजन में जैसे जो फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट था उसमें CS फंडामेंटल्स पे बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। सो आई थिंक इसके लिए हम गेट्स मैशर्स की सीरीज रेफर कर सकते हैं फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, DBMS एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, दैट वुड बी इनफ टू कवर। और बेटर है हम अगर इसको अपने कोर्स के साथ साथ कर लें एंड नोट्स बना के रख लें ताकि और रिवीजन एंड करने में दिक्कत ना हो। यस एग्जैक्टली एंड एंड ऑल प्रोजेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स लिखते हैं तो लाइक किसी को पता चलता है कि हमने कुछ किया हुआ है। सो प्रोजेक्ट्स के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो उडेमी के कोर्सेज वगैरह रेफर कर सकते हैं कि इनिशियली कोर्सेज के साथ प्रोजेक्ट बना लें एंड देन बाद में अपना अलग से बना लें। तो प्रोजेक्ट्स के लिए कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को, वेब करे, मशीन लर्निंग करे, एआई करे या एंड्रॉयड करे, तो हम लोग प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें? क्या हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना पड़ता है या फिर हम लोग डिसेंट प्रोजेक्ट करेंगे तो भी चलेगा? आई थिंक डिसेंट प्रोजेक्ट्स चल जाएंगे, बस हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, उस टेक स्टैक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एंड जहाँ तक डोमेन की बात है, हम आई थिंक कोई भी डोमेन चूज कर सकते हैं, वेब, मशीन लर्निंग या कुछ भी, इन जनरल इतना मैटर नहीं करता।
अगर हम लाइक जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो प्रोजेक्ट में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि क्या क्या पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट्स के, किसी को क्वेश्चन नहीं पता है कि क्या पूछ सकते हैं हम, तो उसके लिए कैसे तैयार हो हम लोग, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हाँ, हैं? लाइक अगर मैं अपनी इंटरव्यूज की बात करूं तो वो इंटरव्यूज ज्यादा डीएसए स्पेसिफिक थी, जैसे अमेज़न ज्यादा डीएसए स्पेसिफिक इंटरव्यूज ही लेती है, तो मुझसे बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछा गया था प्रोजेक्ट रिलेटेड, जो लाइक एक जनरल सी प्रॉब्लम पे बेस्ड था मेरे प्रोजेक्ट पे, कि हम फ्रंट एंड और बैक एंड को जब हम इंटीग्रेट करते हैं सो रिएक्ट एंड नोड में क्या प्रॉब्लम आ सकती है एंड उसको सॉर्ट कैसे किया जाता है। सो आई थिंक इन ऐसे ही जनरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। सो बस हमें उसके बारे में फेमिलियर होना चाहिए जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हों, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर टेक्सटाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं। That's very great. Nowadays, every company asks for aptitude. तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डीएसए का प्रिपरेशन हो गया, फंडामेंटल्स हो गया, लेकिन एप्टीट्यूड को इग्नोर कर देते हैं. तो क्या लगता है कि एप्टीट्यूड हम लोग को तैयार करना चाहिए, और तैयार करना चाहिए तो कैसे? एप्टीट्यूड प्यार करना चाहिए सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए ही नहीं, उससे हमारी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, सो आगे भी इसका फायदा हो सकता है। सो आई थिंक थर्ड ईयर से, प्लेसमेंट स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले, हम 10 to 15 questions पर डे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे, काफ़ी जगह MCQs होते हैं एंड वो सॉल्व भी होते हैं। सो हम एक स्केड्यूल बना के 10 to 15 questions पर डे सॉल्व कर सकते हैं। So, as you given so many tests online round, so what are the some important data structures and algorithms you noticed? एरे, स्ट्रिंग्स, हीप डेटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स एंड ग्राफ्स इफ वी आर गिविंग सम लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स ओएस एंड इंटरव्यूज। So, how you handle rejection? अगर rejection मिला हो तो how you handle rejections? And prepare mentally in such situation. यस, थर्ड ईयर से जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था ऑफ कैंपस, तब काफ़ी जगह मैंने रिजेक्शंस फेस किए एंड काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इनिशियली मुझे पता भी नहीं था। सो मैंने एनालाइज किया कि मतलब व्हाई आई वाज रिजेक्टेड, तो उसमें एनालाइज करके उन टॉपिक्स पे स्पेसिफिकली वर्क किया कि हाँ इस टॉपिक का क्वेश्चन आया था एंड मुझसे नहीं हुआ ये। सो उन टॉपिक्स को नोट डाउन किया एंड एक एक करके सब टॉपिक्स पे वर्क किया एंड साथ साथ थोड़ा माइंड को काम भी किया, ताकि उस कोई पर्टिकुलर टेस्ट या इंटरव्यू देते हुए थोड़ा ओवरवेल्म ना हो जाऊं एंड अच्छे से फोकस करके सॉल्व कर पाऊं क्वेश्चंस। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी इंटरव्यू या फिर हम ऑनलाइन टेस्ट में रिजेक्ट होते हैं, सो हम नोट डाउन करें कि क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है रिजेक्ट होने का, कि ये टॉपिक नहीं आता था या उस टाइम पे हमारा मेंटल स्टेटस ऐसा नहीं था कि हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो इट्स वेरी नेसेसरी। वेरी नाइस अप्रोच बताने के लिए कि कैसे हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, और कैसे अपने आप को काम रखें, और अपने जो गलती हम लोग उसको ध्यान रख के उस पे काम करें. सो दैट वाज नाइस. सो मेनी स्टूडेंट टेक एचआर राउंड वेरी इजीली. आई सी लॉट ऑफ स्टूडेंट गॉट रिजेक्टेड इन एचआर राउंड. सो व्हाट्स योर टेक, हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एचआर राउंड स्पेशली? ओके, सो मेरे केस में तो कम्प्लीटली टेक्निकल इंटरव्यूज थी, सो एचआर राउंड नहीं था एज सच, बट आई थिंक अगर एचआर राउंड हो भी सो हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि एचआर राउंड में मेनली तो वो कॉन्फिडेंस एंड स्पीकिंग स्किल्स एंड द वे वी स्पीक ये सब देखते हैं। एंड थोड़ा बहुत हम जीएफजी वगैरह से सर्च कर सकते हैं कि कंपनीज किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती हैं, क्योंकि हर कंपनी का एक अलग अलग होता है कि वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, अलग अलग वे से कैंडिडेट्स को जज करते हैं। सो अगर हम ये पहले चेकआउट कर लें सो इससे हमें आइडिया रहेगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सो आई वॉन्ट टू आस्क वन स्पेसिफिक क्वेश्चन, लाइक हमें कंपनी कैसे सिलेक्ट करना है? कितने जैसे होते हैं कि बस फैंक के पीछे पड़े हुए रहते हैं, मतलब स्पेशली इंडिया में फैंक के पीछे रहते हैं कि बस फैंक क्रैक करना है. तो हम लोग कैसे अपना स्पेसिफिक सेलेक्ट कर ले कि ये कंपनी है, और उस पर रिसर्च करके, उस पर काम करके, हम लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क करके, अप्लाई करके, और हम लोग कंपनी क्रैक कर सकते हैं. ओके, सो
सो इनिशियली एक तो होता है कि इंटरेस्ट बेस्ड होता है कि कई लोग ज़्यादा डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं एंड वो डीएसए पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, एंड कई लोग सीपी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एंड वो लाइक डेवलपमेंट में उतना नहीं टाइम स्पेंड कर पाते. सो फर्स्ट डिस्टिंक्शन इसके बेसिस पे हो सकती है, जो डेव में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो उस पर ही काम करें, इंटर्नशिप्स करें एंड अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स में लाइक क्रेड शेयर चैट एंड बहुत सारे और हैं उनमें अप्लाई करें. एंड बाकी जो सीपी में इंटरेस्टेड हैं और प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बना पा रहे, तो वो सीपी को बहुत अच्छा करे एंड फिर अच्छी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन ये सब क्रैक करने की ट्राई करें, क्योंकि वो सीपी रेटिंग्स के बेसिस पे या डीएसए के बेसिस पे ये कर सकते हैं. एंड जो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है वो वाली क्रैक कर सकते हैं. एंड बाकी इन जनरल कोई वन पर्टिकुलर कंपनी के पीछे एज एज सच नहीं हमें भागना चाहिए. बस अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करते रहना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज के लिए अवेयर रहना चाहिए लिंक्डइन पे, ताकि हम अप्लाई करते रहें. एंड जब हमें कभी कंफ्यूजन हो सो हम काफ़ी चैनल्स रेफर कर सकते हैं कंपनी रिव्यूज़ के लिए. आई थिंक आजकल काफ़ी अवेयरनेस है यूट्यूब वगैरह पे भी, हर कंपनी के रिव्यूज़ हमें मिल जाते हैं. सो फैंक के अलावा भी बहुत सारी और कंपनीज हैं जो अच्छा पे करती हैं एंड अच्छा लाइक वर्क कल्चर भी है उनका, तो हम चेक कर सकते हैं ऐसे. नाइस nice. तो ये बताने के लिए थैंक यू कि हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग स्पेसिफिक डोमेन अपना इंटरेस्ट के हिसाब से कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यस यस लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा अवेयर रहना होगा अगर ऑफ कैंपस के लिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो। यस बिल्कुल. सो स्मॉल टिप्स फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स। ओके सो फर्स्टली आई थिंक डेली गोल सेट करने चाहिए, लाइक वरना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए. लाइक मैंने बताया था कि लीड कोड पे वन क्वेश्चन सॉल्व करना इज अ डेली गोल, मतलब अपने थिंक दैट्स ऑल. कैन यू रिपीट वंस अगेन? फ्रॉम वेयर टिप्स. हाँ स्मॉल टिप्स। ओके ओके सो फर्स्ट स्टेप इज आई थिंक हर किसी को डेली गोल मेंटेन करना चाहिए अपने अकॉर्डिंग. लाइक मैंने बताया कि मैंने पर डे वन क्वेश्चन सॉल्व करने का डेली गोल मेंटेन किया था एंड देन उससे ज़्यादा. ऐसे हर कोई अपने अकॉर्डिंगली मेंटेन कर सकता है. एंड सेकेंड इज कि हमें इंटरव्यूज में नर्वस नहीं होना चाहिए, कामली कैश जैसे हम कैजुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करना चाहिए एंड इंटरव्यू को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि वो हमारी हेल्प कर पाए. अगर हम कहीं लाइक फंस रहे हैं तो वो हमारी हेल्प कर पाए. तो मैं कहूं कि अगर आप अभी जो देवांशी है 4th ईयर में, अगर वो आप फर्स्ट ईयर के देवांशी को कुछ बताना चाहे या कोई भी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आ रहा है उसको बताना चाहे कि क्या वो जो गलती है मैंने की थी वो नहीं करनी चाहिए। ओके सो लाइक फर्स्ट मिस्टेक मैंने की थी कि हर हर चीज़ को एक्सप्लोर कर लिया बट किसी चीज़ में डीप डाइव नहीं गई मैं इनिशियल ईयर्स में, क्योंकि मुझे हर चीज़ में ये लगता था कि शायद ये चीज़ मेरे लिए इतनी वर्क ना करे, बट एक्चुअली ये रॉन्ग है. कई बार हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सीपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए. अगर हमारा डेवलपमेंट में इंटरेस्ट बन रहा है तो उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए, इंटर्नशिप्स करनी चाहिए ताकि वो हमारी हेल्प करे. ऑल्दो बाकी भी चीज़ें साथ साथ करनी चाहिए, बट मतलब ये एक्सप्लोर करते रहना चाहिए जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है. एंड लाइक अगर हम सीपी करना चाहते हैं तो हमें उसको उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए. मैंने काफ़ी बार सीपी लाइक इनिशियल ईयर्स में ट्राई की पर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की. अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करी होती तो काफ़ी अच्छी रेटिंग्स हो जाती. सो कंसिस्टेंसी काफ़ी नेसेसरी है चाहे हम जो भी डोमेन पिक करें उसमें. तो हमने सब चीज कवर कर लिया, लगभग रिज्यूमे कवर कर लिया, हमने फर्स्ट राउंड का देखा कैसे निकालना है, इंटरव्यूज की तैयारी कैसे करनी है और प्रोजेक्ट्स पे बात कर ली, सब्जेक्ट्स पे भी। तो थैंक यू देवांशी वर्मा, आपने ओवरऑल अच्छा से पूरा समरी बता दिया हम लोगों को। थैंक यू वेरी मच आने के लिए एंड ओके कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू थैंक यू।